हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो क्या हाल है आप लोगों का? तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है पबजी वर्ल्ड में, अगर आप भी पबजी खेल रहे हो, यानी आप पबजी, फ्री फायर, जो भी आप खेल रहे हो, जो भी गेम खेल रहे हो, आपका पसंदीदा गेम खेल रहे हो, तो तब की बार अगर आपके फ़ोन में कोई भी कॉल आता है, अगर इनकमिंग कॉल आता है, तो आपके फ़ोन पर जो है, आपका फ़ोन अगर मिडिल रेंज फ़ोन है, अगर आपके फ़ोन में इतना ज़्यादा पावरफुल आपके चिपसेट नहीं है, आपके पास इतना ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं है, तो आपके पास 2 GB रैम का फ़ोन है, तो आप अगर कॉल रिसीव करते हो, अगर आपके फ़ोन में कॉल रिसीव करते हो, तो आपका फ़ोन जो है सबसे पहले पूरा फ़ोन कट जाता है और फिर से रिस्टार्ट हो जाता है अपना गेम। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे फेस करना है, वही आज के इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाले वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर अंत तक नहीं देखोगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो चलेगा, शुरू करते हैं इसमें तार वीडियो को विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम। सो लेट्स द गेम। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस। तो सबसे पहले मैं अपना गेम को सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ गाइस। ये पर देख सकते हो, मैं ये पर सबसे पहले अपना गेम जो ये पर ओपन कर चुका हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। आपके जो भी ये पर लॉगिन आपके हिसाब से, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लीजिएगा गाइस। तो मैं ये पर नया से ये पर लॉगिन कर रहा हूँ, आपको प्रूफ के, आपको ये पर एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। तो ये पर मैंने लॉगिन कर लिया है 5 मिनट, तो आप जो है मेरा गेम ये पर लॉन्च होना स्टार्ट हो रही है और लोडिंग हो रही है। और इसके बाद जब गेम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं उसके बाद एक TDM मैच लगाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको कैसे जो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना है, और ये प्रॉब्लम भी आपको शो करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम आती कैसे है। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ना, तो ये पर मैं सबसे पहले इसे क्रॉस कर लेता हूँ और इसके बाद मैं गेम स्टार्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो गेम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले नीचे आपको स्टार्ट है, तो ये पर स्टार्ट पर कर सकते हो गाइस। अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो, फ्री फायर हो, CS:GO हो, या तो पबजी हो, जो भी आप गेम खेल रहे हो, तो सारे गेम्स में ही वर्क करेगा। आपके पास कोई भी ऐप्स, गेम्स सिर्फ गेम्स भी नहीं, ऐप्स भी अगर ये यूज़ करते हो ये सेटिंग, तो आपके ऐप्स में भी कॉल नहीं आएगा इनकमिंग। तो ये पर देख सकते हो, तो मैं गेम खेल रहा हूँ, तो अभी जो है मेरे गेम पे मैं और एक दूसरे फ़ोन से पर मैं कॉल करूँगा अपने फ़ोन पे, और जैसे कॉल करूँगा तो आप देख लेना, सबसे पहले प्रूफ देख लेना। तो अभी गाइस मैं ये पर और एक दूसरे फ़ोन से ये पर मैं कॉल कर रहा हूँ, और जब मैं कॉल कर रहा हूँ गाइस, तो ऊपर आप देख सकते हो, तो मेरा जो ऊपर कॉल का ये पर आ चुके आंसर और डिक्लाइन करके, और मेरा ये अगर आप डिक्लाइन भी नहीं कर, अगर डिक्लाइन कर दे तो फ़ोन कट जाता है, अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो आप आंसर करते हो ना, तो आपका जो गेम जो है पूरा क्रैश हो जाती है। उसके बाद मैं अगर मैं आंसर करता हूँ, और उसके बाद मैं बैक कर लेना सबसे पहले, उसके बाद मैं अगर बैक कर लेता हूँ, ये पर देख सकते हो मैं सबसे पहले उसे बैक कर देता हूँ। जैसे बैक करेंगे ना गाइस, तो आपका जो फ़ोन जो है वो फिर से नया ये पर स्टार्ट हो जाती है, रिस्टार्ट हो जाती है आपके फ़ोन। तो आप ये पर जो भी आप गेम खेल रहे हो, आपके इतने इस मोमेंट पर आपके गेम चल रहा है, आपके रैंक खेल रहे हो, रैंक पुश कर रहे हो, तो तभी अगर गाइस ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको गिल्टी फील होगा कि क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को वही आज की इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने बताऊंगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को गेम को ओपन करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना गेम को सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ सबसे पहले, और गेम्स को स्टार्ट करने के बाद आपको मैं प्रोसेस बताऊँगा, और मैं पूरा प्रूफ के साथ आपको लोगों को बताऊँगा गाइस, और जैसे सेटिंग भी आप लोगों को बताऊँगा। ये आपके फ़ोन में ही रहता है, अगर आपके पास Realme C11 है, Realme C2 है, Realme C3 है, जो भी आपका रियलमी फ़ोन आपको है ना, कुछ सब मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग होती है, तो आप ये अनेबल ज़रूर कर लेना। वीवो, ओप्पो, रियलमी, जो भी फ़ोन है ना, सभी फ़ोन पे होती है। तो ये पर मैं ओपन कर रहा हूँ, इसके बाद आपको ये पर स्वाइप करना है। स्वाइप करेंगे जैसे ऊपर ये पर आपको रिजेक्ट कॉल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये जो रिजेक्ट कॉल है ना, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, और ऊपर ब्लॉक नोटिफिकेशन है ना, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और रिजेक्ट कॉल में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में कोई कॉल नहीं आएगा। कोई भी अगर आपके फ़ोन में कॉल करेगा तो आपको वो विजी आएगा, और आपके आप जो है अपना गेम जो है गेम भी एकदम इजीली खेल सकते हो, आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप ये पर नोटिफिकेशन आपका अगर ये ब्लॉक नोटिफिकेशन करते हो ना, तो आपके फ़ोन में कोई भी फेसबुक का मैसेज या कोई भी आएगा तो आपके फ़ोन में वो ये पर शो नहीं होगा। तो गाइस अभी मैं और एक दूसरे फ़ोन से ये पर मैं जो मेरा फ़ोन था वो इसमें कॉल कर रहा होता, अभी देख सकते हो गाइस मेरे फ़ोन में कोई भी कॉल नहीं आया अभी तक। तो मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, ये जो है ये वर्क कर चुका है गाइस। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रूफ के थ्रू बता दूँगा कि मैं ये पर कॉल कर रहा हूँ या नहीं। तो अभी सबसे पहले मैं स्वाइप कर लेता हूँ ऊपर, तो अभी देख सकते हो गाइस मैंने ये पर 5:19 हो चुकी है ना। तो गाइस अभी मैं कॉल रिकॉर्ड में जैसे जाऊँगा, कॉल सेक्शन में जाऊँगा, और जैसे गाइस कॉल सेक्शन में जाऊँगा ना, तो कॉल सेक्शन में जैसे जाऊँगा तो आपको ये पर नीचे ये देख सकते हो 5 मिनट्स हो गए जस्ट नाउ, ये पर नीचे आपको ये पर ऑप्शन आ रहा है जस्ट नाउ, यानी मैंने अभी ये पर कॉल किया है। तो अभी देख सकते हो मेरे फ़ोन में 2 कॉल आ चुके हैं, मैंने 2 बार कॉल किया लेकिन मेरे फ़ोन में ये पर कॉल नहीं आया। तो इस तरह से गाइस आप जो है अपना ये सेटिंग करके आप जो है एकदम इजीली इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो गाइस। ये देख सकते हो एकदम 100% श्योर वर्क करेगा गाइस ये,
आप किसी भी फ़ोन में अगर आप ओप्पो वीवो रियल मी जो भी फ़ोन है आप ये सेल्फ मोबाइल फ़ोन करेंगे तो इसके लिए इसे एनवल करने के लिए सबसे पहले आपके जो भी आपके फ़ोन में जो भी गेम है ना उस गेम को ऐड करने के लिए ना सबसे पहले आपको गेम स्पेस पर जाना होगा। तो गेम स्पेस में सबसे पहले जाना होगा और गेम स्पेस पे जैसे जाएंगे उस पर आपको ऐड प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जितने सारे बहुत सारे ऐप्स होंगे अगर ऐप्स भी लगा सकते हो और या फिर गेम भी लगा सकते हो तो मेरे पास जूंगल पे लगा लूँगे अगर ये पे अनटिक कर दोगे तो आपके फ़ोन में और एक बार कॉल आएगा। इसी तरह से गाइस ये प्रॉब्लम एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।